20% मिला तो हमें 2% काम मिला है, तो भेदभाव तो है, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मेयर बने। हमें इससे लगाव है, क्यों लगाव है कि सभी का तो मकान बनवा दिए उन्होंने, और जैसे नाली वगैरह सड़क बस थोड़ा बहुत यही रह रहा है नाली वगैरह। बोर्ड आपके मजबूत हो जाए, इमरान जी के हाथ मजबूत हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा सकते। हम कहीं उनके बंधुआ थोड़ा ही है, अब हमारा जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर में मौजूद हूं, और यहां वार्ड नंबर 10 पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने बहुत ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता, बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार की पत्नी पिंकी पर दांव लगाया है। तो चुनाव जीतने की इनकी किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार से इनके पक्ष में समीकरण बन रहे हैं, आज इस पर ही बात होगी। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। किस तरीके का आपका चुनाव चल रहा है, जीत के किस प्रकार से समीकरण बनेंगे? देखो, ये तो आने वाला 13 तारीख में जब काउंटिंग खुलेगी और 4 तारीख को डलेगी जब भी पता चलेगा, लेकिन मैं अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ कि मैंने क्षेत्र में काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया, मेरे लिए सब हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई। आप तो एक बार पार्षद रह चुके हैं, तो फिर एक बार फिर से अपनी पत्नी को आप मैदान में लेकर क्यों आए हैं? ये तो मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वार्ड 10 में बहुजन समाज पार्टी के की कैंडिडेट को उतारा है, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 10, इसमें वोट किस प्रकार से हैं, मतलब दलित समाज का कितना वोट है, मुस्लिम समाज का कितना वोट है, ये अलग अलग वोट किस प्रकार से हैं? देखो, यहाँ टोटल 5700 वोट है, 5700 तो मतलब 2000 तो यहाँ एससी वोट है, 1500 वोट यहाँ मोमडों का, बाकी अदर है। पिछली बार मैं 650 वोटों से जीता था, और बीजेपी वाले को 950 वोट मिले थे, मुझे 650 से वोट जीत प्राप्त हुई थी। इस बार भी मैं जो मैंने काम किया क्षेत्र में, किसी भी ऐसे मकान के बारे में, सफाई की व्यवस्था के बारे में आश्वस्त हूँ, जनता दोबारा मुझे मौका देगी चुनने का। जिस तरीके से आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, तो जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा था, तो अब आपको लगता है कि मुस्लिम वोट भी आपको मिलेगा? देखो, पहले समाजवादी को वोट दिया मुस्लिमों ने, और बहन जी ने समझा गलत वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक भाई इमरान जी बहुजन समाज पार्टी से हैं, और उनका पूरा सपोर्ट है। इनका समीकरण सहारनपुर में कुछ और ही हो गया, उनके आने से स्थिति बहुत अच्छी हो गई है बहुजन समाज पार्टी की। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं पिंकी जी, वो भी हमारे साथ में हैं। पिंकी जी, आप तो घूम रही हैं, वार्ड में घूम रही हैं, तो किस प्रकार से आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो सही है सर, जीत के तो आसार है जी, सभी मतलब हमारे साथ है, जैसे पहले इन्होंने सभी कार्य सही किया, तो इसलिए सभी साथ हैं। मतलब आप जनता के बीच में जा रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं, तो आपके पति की तारीफ करते हैं लोग या नहीं, कहते हैं कि हाँ उन्होंने विकास कार्य कराया है? हाँ जी, सब बहुत तारीफ करते हैं, सभी का तो मकान बनवा दिए उन्होंने, और जैसे नाली वगैरह सड़क बस थोड़ा बहुत यही रह रहा है नाली वगैरह, वरना सही कर रहा है सब कुछ। चलिए, तो सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर रहमानी। अच्छा, तो मुस्लिम समाज भी बसपा के पक्ष में खड़ा हुआ है? एक पहले से ही इनके साथ है, क्योंकि ये रात दिन सबके काम आते हैं, थोड़ा सा मकान सबके बनाए, अब थोड़ा सा विकास का मुद्दा है, विकास में थोड़ा सा बोर्ड में इनके साथ भेदभाव हुआ, मान लिया ये बसपा से थे, वहाँ बीजेपी का वर्चस्व रहा, तो इन्हें इतना काम नहीं मिल पाया जितना इन्हें यहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ सड़कें बहुत गहरी हैं और ज़्यादातर बदतर हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, तो उतना काम नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने दोबारा अपनी पत्नी को खड़ा करके कि भाई जो रुके हुए काम है, मैं बोर्ड आपके मजबूत हो जा, इमरान जी के हाथ मजबूत हो जा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा सकें। मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगातार कभी किसी वार्ड में कभी किसी वार्ड में लगातार घूम रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का मतलब रुझान बसपा की तरफ कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो राजेंद्र जी, पहले पार्षद रह चुके हैं, अब पिंकी जी हैं, तो अगर एक बार फिर से इन्हें मौका मिलता है, तो आपको लगता है कि और ज़्यादा विकास कार्य होगा? जी बिल्कुल निश्चित, बहुत अच्छा कार्य करेंगे। रात की सबसे बड़ी खूबी इनकी यह है कि 24 आवर्स 24 घंटे जब भी फ़ोन घुमाओ, और भी कोई काम हो किसी का, मान लिया किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, या किसी का कोई फैसला हो या कुछ हो, तो ये 24 घंटे खड़े हैं सबके साथ। आपने तो बसपा का पटका भी पहन रखा है, और ये तो ब्राह्मण का है, पंडित हूँ। अच्छा, पंडित हूँ, समाज का पंडित हूँ, जात का पंडित नहीं हूँ, आर्य समाज का। अब पूछो मेरे से। तो आपका समर्थन भी?
बिल्कुल, ये हमारे बहुत अच्छे योग्य श्रेष्ठ चरित्रवान व्यवहारिक और गरीब अमीर का साथ देने वाले और बहुत अच्छे व्यक्ति हम इनके साथ हैं। जाली वाली गली है हमारी, भले 25 वार्ड हो लेकिन व्यवहारिक बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं जी। ऐसे व्यक्ति को बार बार सेवा का मौका दिया जाए। आप तो पंडित हो और पंडित नहीं हूँ, आर्य समाज हूँ, आर्य समाज का पंडित शास्त्री जी हूँ। आर्य समाज की हम बात कर लेते हैं। आर्य समाज तो कहता है कि भाई ज़्यादातर हमने लोग देखे हैं आर्य समाज के, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं लेकिन हम नहीं, हम नहीं। मतलब आपको बसपा से कोई लगाव है या राजेंद्र जी से लगाव है? हमें इससे लगाव है। क्यों लगाव है? कि मुख्यमंत्री सीएम 3 बार यहाँ की उत्तर प्रदेश की रह चुकी, जो सुख समस्त जनता को दिया है हम उस सुख की अवे स्वीकार करते हैं, उस सुख की कदर करते हैं। और ये कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को मौका दिया जाए। हमने पिछली सरकारें भुगती, पिछले पार्षद भी भुगते हमने बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो काम इन्होंने किया वो काम किसी ने नहीं किया, बस हम इतना जानते हैं। भी कुछ भी कहीं हो लेकिन हम अच्छे व्यक्तियों की कदर करने वाले हैं। अरे ये हमारा आर्य समाज का पटका है, महर्षि दयानंद का दिया हुआ, बस। चलिए तो आप देख सकते हैं राजेंद्र जी के पक्ष में आर्य समाजी भी खड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, और बड़ी तारीफ राजेंद्र जी की हो रही है कि इन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने वार्ड में विकास कार्य कराए हैं। सर आपका क्या नाम है? अनिल चौधरी। अच्छा चौधरी साहब आप भी? हाँ जी, मैं शुरू से ही साथ हूँ, पिछले चुनाव में भी, अब भी भाई की तरह हैं, कोई दिक्कत। तो आप राजेंद्र जी के साथ हैं या बसपा के साथ? बसपा के ही साथ हूँ शुरू से, और राजेंद्र जी के साथ ही बसपा में गया था, साथ ही हूँ तकरीबन 20 साल। जिस समाज से आप हो वो तो गठबंधन की बात करता है। वो कोई बात नहीं है, वो हम कहीं उनके बंधुआ थोड़ा ही हैं, हमारा जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे, वो अपना गठबंधन रखो अपने साथ जाओ, वो अपना काम करेंगे हम अपना काम करेंगे। राजेंद्र जी ने मुख्य मुख्य कार्य क्या आपके वार्ड में कराए हैं? हमारे वार्ड में पार्क बने हैं, गांधीनगर में 2 पार्क बिल्कुल तैयार करवाए, लाइटें, सड़कें, नाली, नाले की समस्या हमारे यहाँ है, उसका एस्टिमेट भी भिजवाया लेकिन वो बोर्ड ने पास नहीं किया, कहते हैं बढ़ाए। एक हमारे यहाँ नई आबादी है, विकास कार्य ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन नगर निगम ऐसा था, मेयर साहब थे, वो कहते हैं 10 लाख से ऊपर का मैं काम नहीं दूंगा, 10 लाख में 100 मीटर की भी सड़क नहीं बन पाती, यहाँ भराव भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस बार ही अगर इमरान भाई मेयर बनते हैं, खदीजा मसूद जी, हम बोर्ड में हमारा वो रहेगा, तो इस बार ही हम ज़्यादा काम करा पाएंगे अपने वार्ड में जी। तो आपको लगता है कि यहाँ मेयर का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी बसपा प्रत्याशी खदीजा मसूद? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव। आपके मन में कौन है जी? ये मेरा तो यही है पार्षद जी मेरे तो। अच्छा जी, और काम इन्होंने बहुत इतना बढ़िया कर रखा जी, सबके तो मकान बनवा दिए, सारी सड़कें बनवा दी बाबू जी, और जो है जब भी इसे याद करना जब भी एकदम यहाँ हाजिर हो जा, और इससे बढ़िया क्या चाहिए, बस भाई इतना ही कहूँ जी। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि जो ये बोर्ड रहा है संजीव वालिया जी यहाँ से मेयर रहे हैं, तो किसी प्रकार का कुछ भेदभाव आपके साथ हुआ क्या? ये सच्चाई है, ये पहले भी मैंने कहा था कि बोर्ड अगर अपना बनता है बहुजन समाज पार्टी का तो 100% काम होता है, लेकिन बीजेपी का बोर्ड था, काम देने में भेदभाव हुआ। अगर किसी को काम 20% मिला तो हमें 2% काम मिला है, तो भेदभाव तो है, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मेयर बने। तो जैसा स्मार्ट सिटी की बात यहाँ पर होती है, तो आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में भी स्मार्ट बननेस आई या नहीं? देखो जी, स्मार्ट सिटी हमारे इन 32 गांवों में कहीं नहीं है, ये सिर्फ घंटाघर या उसके पास के कुछ वार्ड चिन्हित है, इन 32 गांव में स्मार्ट सिटी का कोई पैसा नहीं है, ना भविष्य के लिए है। अच्छा, अब एक बार फिर से यदि जनता आप पर विश्वास करती है तो आपने अपने मन में ये तो सोच रखा होगा कि अब की बार यदि अवसर मिलता है तो हम ये कार्य कराएंगे, ये कार्य कराएंगे? सबसे पहले मेरे यहाँ वार्ड 10 में जो है पानी की नाली की समस्या है, नाले की, क्योंकि यहाँ काजीपुर से लेकर फतेहपुर तक कोई नाला नहीं है। पहले नाला मैंने कोशिश करी बनवाने की, उसका एस्टिमेट 8 करोड़ था, वो पास नहीं पाया। अगर इस बार बोर्ड बनता बहुजन समाज, सबसे पहले भी नाले की होगी समस्या, नाला पास करवाना, उसके बाद जो लोगों की सड़कें नाली रह गई है उस पर ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अपने लिए ही वोट मांग रहे हो या इमरान मसूद की जो प्रत्याशी हैं खदीजा मसूद जी उनके लिए भी मांग रहे हो? देखो जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से 20 साल से जुड़ा हूं, मैं दोनों के लिए वोट मांग रहा हूं। आप भी महिलाओं से कुछ अपील कर रही हैं या नहीं? हाँ जी कर रहे हैं, वोट के लिए, अपने लिए भी और मेयर साहब के लिए।
चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार और वर्तमान जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाई हैं पिंकी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने एक खाका तैयार किया है, किस प्रकार से यदि जनता उन पर विश्वास करती है तो किस प्रकार से विकास कार्य कराने का काम होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।